ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ये ब्यूटी ब्लेंडर तो अंडर आई लाइंस को भी एकदम स्मूथ कर देता है। वैसे अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्मूथ हो जाए यहाँ पर राधा और मोहन की कहानी, लेकिन यहाँ तो चल रहा है हाई वोल्टेज हाई जैकिंग वाला ड्रामा। उम्मीद करते हैं ये ट्विस्ट जल्द ही हो जाए इनकी ज़िंदगी से दूर। लेकर चलते हैं आपको फटाफट राधा और मोहन के सेट पर। जी टीवी के सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन में आज राधा मोहन और पूरा परिवार हाईजेकर्स के बीच फंस चुका है। सभी डरे हुए हैं। राधा मोहन ये विचार रहे हैं कि कैसे इन हाईजेकर्स से अपने परिवार और लोगों को बचाया जा सके। इसी बीच हाईजेकर की बॉस आ जाती है जो राधा और मोहन दोनों को ही बंदूक की नोक पर रख देती है। ऐसे में राधा भी बिना डरे और बिना हिचके उस बॉस लेडी को अपना टशन दिखाती है। बस फिर क्या, उस बॉस लेडी को आ जाता है गुस्सा और वो निशाना साध देती है मोहन की बिटिया रानी गुनगुन पर। ना चाहकर भी राधा मोहन को उनकी बात माननी पड़ रही है। इसी बीच वहां पर मौके पर चौका लगाती है दामिनी जो भरे प्लेन में इन सब की जिम्मेवार राधा और मोहन के पूरे परिवार को मानती है और सभी को भड़काने की कोशिश कर रही है। इसमें ना किसी की कोई भी गलती नहीं सिवाय इस राधा के और इसके पूरे परिवार के। आज इन लोगों के वजह से हाईजैकर्स प्लेन में घुस आए हैं। हमारे परिवार को इस समय घसीटने की जरूरत भी मत करना तुम। क्यों ना घसीटूं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो इन हाईजैकर्स ने कहा ना कि तुम लोगों के वजह से ये अपना हथियार इस प्लेन में ले आए, और ऊपर से ये बंटी ये भी तो तुम लोगों के घर में ही काम करता है ना। मुझे तो लगता है कि तुम सब इन हाईजैकर्स के साथ मिले हुए हो। अभी सिचुएशन एक्चुअली ऐसा हो गया है कि डू और डाई वाला मामला है, एंड सिंस दामिनी की त्रिवेदी परिवार से बनती ही नहीं है तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ रह के तो कुछ नहीं करूँगी सबकी हेल्प करने के लिए। एंड दामिनी बींग दामिनी वो पहले अपनी मदद करती है, तो कहीं ना कहीं वो हाईजैकर्स जो चाहते हैं कहीं ना कहीं मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बाई चांस भी अगर सबको मारने की तैयारी चल रही है तो एटलीस्ट मेरे चांसेस बढ़ जाए बचने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट दामिनी इज़ डूइंग। यहाँ दामिनी ने अपनी चाल चली नहीं कि वहाँ लोगों ने भड़कना शुरू कर दिया। ऐसे में एक प्लेन में सवार औरत ने मोहन की माँ का गला पकड़ लिया और शुरू कर दिया तमाशा। दामिनी बंद करो अपनी ये घटिया ज़बान। बहुत हो चुका आप लोगों का, आज आपकी वजह से हम सब फंसे हुए यहाँ पे, नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अरे अब छोड़िए उन्हें, छोड़िए। सी अल्टीमेटली दामिनी जो भी करती है उसको राधा और मोहन डिफ्यूज कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं आगे जाकर ऐसा ही होगा, डेफिनेटली केओस क्रिएट होगा क्योंकि वो मेरा काम है, पर केओस को कैसे ख़त्म करना है वो राधा मोहन का काम है। तो मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हूँ, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सब कुछ अच्छा करने की। फिलहाल तो हाईजैकर्स ने अपनी बंदूक की नोक पर इन सभी यात्रियों को शांत बिठा दिया, लेकिन राधा वो अपने बांके बिहारी को देखकर उनसे प्रार्थना कर रही है कि वो उन्हें शक्ति दे इन हाईजैकर्स से लड़ने की। मुझे भी अभी ही पता चला, स्टोरी वाइज प्लेन में ही पता चला कि ये हाईजैकर्स एक्चुअली त्रिवेदी भवन में रहे हैं और इनके थ्रू ही इन्होंने सब कुछ प्लान आउट किया है। तो इतने बेवकूफ़ है ये लोग कि सब कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है और उनको पता भी नहीं चला। एज़ यूजुअल जैसे ज़िंदगी भर दामिनी पर भरोसा करते आए हैं, वैसे दो दिन के जो भी लोग आए हैं उन पर भी भरोसा कर दिया बिकॉज दे आर सो नाइस, दे आर सच नाइस पीपल। तो ऑब्वियसली ब्लेम उन्हीं पर जाएगा क्योंकि उनके थ्रू ही आए हैं ये लोग। तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के दामिनी सबके सामने ये अनाउंस कर देती है कि भाई इनके वजह से जो हुआ है, तो ऑलरेडी जो फूट लगी हुई है और एक जो रिलीजियन को लेके ऑलरेडी लड़ाइयाँ चल रही है वहाँ पे, एक और आपने रीज़न दे दिया ताकि लोगों के बीच में फूट और केओस क्रिएट हो जाए। हम तो इस ब्लेंडर की तरह ब्लेंड करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।